एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास एक न्यू वीडियो के साथ, जिसको हम आज मिलके देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि वो जगह कैसी है। और ये वीडियो जो है वो कमेंट सेक्शन से लिया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बताई हुई वीडियो को हम एक्सप्लोर करें तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोबारा मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लेट्स गो। गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रामूजी फिल्म सिटी की जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, ये बेसिकली हम एक वीलॉग देखने जा रहे हैं जो कि गरिमा गुड लाइफ का है। मैं इनका यूट्यूब लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनके वीलॉग को भी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो भी लाइक करिएगा अगर पसंद आए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3। गाइज आज के वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगी 2000 एकड़ में बनी रामूजी फिल्म सिटी, विच इज द बिगेस्ट फिल्म कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। यहीं पर दिखाया था बाहुबली ने अपना बल। अच्छा। यहीं पर गए थे राधे भैया जेल और इन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर हुआ था SRK और दीपिका का मेल। एंड यस, नॉट टू फॉरगेट आज अगर आप यहाँ पर आते हैं कैसे आप टिकट ले सकते हैं, अंदर क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, कौन कौन से फिल्म के सेट्स हैं, उन सब की बात आज हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। टिकट काउंटर्स, दिस इज द बुकिंग काउंटर। टिकट के जो प्राइसेस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ये जो स्पॉट है ना, आप अपनी गाड़ी अगर लेकर आ रहे हैं तो आपको अपनी कार यहाँ पे पार्क करनी होगी, उसके बाद आप यहाँ से टिकट खरीदिए। इनकी बस है क्योंकि जो एक्चुअल फिल्म सिटी है ना वो यहाँ से अंदर 8 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो इनकी ही बस आपको अंदर तक लेकर जाएगी। और जो फिल्म सिटी का मेन गेट है वहाँ पर जब आप उतरेंगे तो वहाँ पे विंटेज बसेस हैं जो आपको एक्चुअल जो अंदर रामोजी फिल्म सिटी वहाँ सेट्स हैं और बाकी अट्रैक्शन हैं वो घुमाएगी। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। ड्राइविंग टू द फिल्म सिटी। वूह, हम एंटर हो गए हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड। सो गाइस, दिस इज द मेन एंट्री ऑफ रामोजी फिल्म सिटी। और ये जो है ना, ये वो विंटेज प्यारी सी बस है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो आपको अंदर पूरा फिल्म सिटी घुमाएगी। सोच रही हूँ चढ़ी जाती हूँ इसमें, आ जाओ। मुझे भी जाना है। टाटा। नहीं, मेरे पास गाड़ी है, बस नहीं जा सकती मैं। चलो। वैसे अगर बस में होता तो ज्यादा मजा आता। बाहुबली सेट आ चुके हैं हम। बाहुबली, यस। अब हम रामोजी फिल्म सिटी की वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन देखने जा रहे हैं। बाहुबली की शूटिंग यहीं पर हुई है। जो पूरा सेटअप था बाहुबली का वो एज इट इज है। आई एम बाहुबली का सेट देख लें गाइस कि बाहुबली कहां और कैसे शूट हुई थी। आइए। अच्छा, नॉर्मली पीपल आर जस्ट गोइंग ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारे सेट्स हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे देयर इज नथिंग के वहाँ पर लोग जा सके। मतलब वो एक लंबी लंबी वो होती है ना, खाली वो बना हुआ होता है, फैक्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर यूजली सेट्स लगते हैं। यहाँ पे लोग नॉर्मली भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। गाइज, रामोजी फिल्म सिटी में बाहुबली का ये जो पूरा माहौल क्रिएट किया गया है ना, इट इज सुपर डुपर फन एंड इट्स अ मस्ट डू। बाहुबली कैफेटेरिया भी है यहाँ पे, बाहुबली बिरयानी चैलेंज भी होता है। आई थिंक इंडिया का ये इंडिजिनस जो इन्होंने यहाँ पे एक थीम पार्क जैसा क्रिएट कर दिया है ना,
बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। सारे प्रॉप्स एंड एवरीथिंग भी वहाँ पे मिल रहे हैं। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लोकेशन। चलते हैं सेंट्रल प्रिजन। ओह दिस दिस ओह दिस इज द सेल। सो गाइस, दिस इज द सेंट्रल जेल जहाँ यहाँ पे शूट ऑलरेडी हो गई है एंड इट्स एन अमेजिंग लोकेशन टू एक्सप्लोर एज वेल। और फ्रेंड्स, अब मेरी गाड़ी चल के आ गई है रामोजी के रेलवे स्टेशन पे। बिल्कुल याद है आप लोगों को, यस, शाहरुख और दीपिका की फेमस फिल्म रोहित शेट्टी अगेन। ही लव्स आई थिंक रामोजी फिल्म सिटी। उनकी बहुत सारी फिल्में वो यहीं शूट करने के लिए आते हैं। मैंने आपको बताया सूर्यवंशी हाल ही में अक्षय और कटरीना के साथ उन्होंने यहाँ शूट की। सारी मूवीज यहाँ शूट हुई हैं और हमें क्या लगता है कि मतलब नॉर्मली इंडिया में शूट हो रही है ना, वो भी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। चलिए आपको वो दिखाती हूँ। आइए, रेलवे स्टेशन पे ना जब भी कोई जाता है तो उसे हमेशा बस यही डर रहता है कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। ये एक लौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन ना कहीं जाती है ना आती है, यही खड़ी रहती है। कितने इत्मीनान से मैं इस ट्रेन को अप्रोच कर रही हूँ। एक तरफ मथुरा सिटी दिख रही है मुझे यहाँ और दूसरी तरफ बेंगलुरु। वाह, ऐसा सिर्फ फिल्म सिटी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ट्रेन में भी यहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी। पीछे के जो कोचेस हैं ना वो सारे नए कोचेस थे और ये जो है आगे स्टीम इंजन भी अवेलेबल है। अगर कोई पुराने ज़माने की फिल्म शूट करनी है, कोई और ईरा दिखाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर इंतजाम है। इंडिया हैव सो मेनी प्रॉप्स एंड एवरीथिंग ना, मैं सिर्फ फिल्म बनाने के लिए, दे आर सो मच इनटू फिल्म थिंग। चेन्नई एक्सप्रेस में आपको अगर याद हो तो ये टेम्पल भी दिखाया गया था। एक ही जगह है फिल्म सिटीज जहाँ पे जूते चप्पल पहन के मंदिर में जाया जा सकता है, बिकॉज ये रियल मंदिर नहीं होते, ये सेट होते हैं जहाँ पे कोई भगवान नहीं होते। और भगवान चाहे ना हो लेकिन फिर भी ये मंदिर जो है वहाँ पे आके मुझे काफ़ी ऐसी श्रद्धा वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है और वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है सामने। अपेरेंटली वहाँ पे वो 100 स्टेप्स हैं या पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ थी जहाँ पे शाहरुख खान को उठा के चेन्नई एक्सप्रेस में ऊपर लेके आना था। सीढ़ियाँ मिल गई। अमेजिंग यार, आई एम रीलिविंग सो मेनी मोमेंट्स। मुझे इतनी सारी फिल्म के फ्लैशेस आ रहे हैं यहाँ पे। सही बात है, काफी सारी वो शूट हुई है ना। आप लोग भी यहाँ पर अगर आएंगे ना, आई विश मैं आ सकती। मंदिर के पावन दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ लेक गार्डन में जहाँ पे हुआ था उलाला। याद आया डर्टी पिक्चर का ये फेमस गाना यहीं पे शूट हुआ था। भाई कितनी वैरायटी है ना यहाँ पे। दिस इज अ जनरल हॉस्पिटल का सेट और इसी के एडजेसेंट जाता है रास्ता एयरपोर्ट। मतलब दिस इज सो कूल ना, सारे सेट्स एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी ready to shoot. बस आप करेक्टर्स लाएं एंड स्टार्ट शूटिंग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक लंबी लंबी सेट्स होते हैं, उसमें सेट बनाते हैं जिन्होंने इसको विशाखापट्टनम बना दिया है। पर ये आई कैन गारंटी यू इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन चुका होगा। गाइज, यहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी के अंदर फिलहाल एक तेलुगु जो शी डिडंट टेक अस अंदर ना, क्योंकि ऑब्वियसली वीलॉग है, इतनी लंबी नहीं कर सकते। कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस की और वर्ल्ड ओवर से लोग आकर यहाँ पे अपनी फिल्म्स के प्रोडक्शन जो होते हैं उसे करते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल ये जगह है यहाँ पे, प्रिंसेस स्ट्रीट, लंदन की जो प्रिंसेस स्ट्रीट है उसकी तर्ज पे यहाँ पे ये बनाया गया है। और ऑल द बेस्ट की शूटिंग जो थी उसमें कार्निवल सीन है, रोहित शेट्टी ने शूट किया था, वो इसी स्ट्रीट को यूज करके शूट किया था। एंड अगेन दिस प्लेस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो नाइस ना, अलग अलग कलर के घर एंड एवरीथिंग। सो वाओ हवेली गाइस, यहां पे सूर्यवंशम की शूटिंग हुई थी। सेट मैक, सूर्यवंशम जिंदाबाद। क्रिस्टी मूवी में देख सकते हो, जेट फाउंटेन निकाल देके क्रिस स्टैचू। ओह दैट जग फाउंटेन, सॉरी 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 माय बैड। क्रिस आके वो लोगों को बचा, क्रिस्टी में यूज किया था इसको। ये पूरा फार्म सेट डाले। ये राइट साइड पे देखिए मैडम, ये मुगदीरा मूवी तेलुगु सुपर हिट हुआ था, राम चरण की थी ये, वो मूवी यहीं शूट हुआ मगधीरा ना। हाँ मगधीरा, बाइक राइड।
फिल्म वाले रामोजी फिल्म सिटी के आउटडोर लोकेशंस तो पूरी तरह से यूज करते ही हैं, दे ऑल्सो हैव द BSF यानी कि बिग शूटिंग फ्लोर्स एट देयर डिस्पोजल। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, दीज आर द बिग शूटिंग फ्लोर्स जहाँ पे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अपनी फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। Oh my God! Look at the size of this structure. इतना बड़ा है। वैसे यहाँ पे ना सिर्फ फिल्मों की शूटिंग नहीं होती, it's a beautiful green space. ये और कहाँ है बटरफ्लाई गार्डन? आई गेस दुबई में है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्रेंड्स, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू वॉक थ्रू दिस बर्ड पार्क। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा टाइप के वैरायटी के बर्ड्स हैं एंड ट्रूली इंडिया में मैंने इस लेवल का बर्ड पार्क तो नहीं देखा है। हाँ, अब्रॉड में बहुत अच्छे अच्छे मैंने देखे हैं, बट उसी के लेवल का ये है। एंड लुक एट दीज प्लश टॉयज, सो क्यूट। हाई पैराकीट, ले जाओ इसको सिम्बा के लिए। Guys, this place is embedded in culture as well. यहाँ पे मणिपुरी डांस के शो होते हैं, then there is Kripalu Caves जहाँ पे I think Buddhism का कुछ relevance है, वो हम देखने जाएंगे। And wow, there is a beautiful performance going on. This place is so interesting. कल्चर और हिस्ट्री को दर्शाने वाले इस कॉम्प्लेक्स में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कृपालु केव्स। ओके, व्हाट इज दिस? एंड देन यू कैन स्पेंड सम एंजॉयबल मोमेंट्स एट हवा महल। हवा महल मींस ओपन एयर, हवा ही हवा। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं जिनमें जाके आप सुकून से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं देखने जाना चाहती हूँ साहस, व्हिच इज द एडवेंचर पार्क हियर। एडवेंचर पार्क, थीम पार्क यूरेका। वाओ गाइस, रामोजी फिल्म सिटी में जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा ये बड़ा सा गिनेस का सर्टिफिकेट व्हिच सेज दैट दिस इज द बिगेस्ट फिल्म कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। वैसे ये जगह जहाँ पर मैं अभी हूँ ना, दिस इज कॉल्ड यूरेका। यूरेका का मतलब होता है हैप्पीनेस, एंड आई थिंक दिस ट्रूली इज अ वेरी हैप्पी प्लेस, क्योंकि यहाँ पे लाइव शोज होते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए एक प्ले एरिया है, देन कार्निवल और बहुत सारी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है ना वो यूरेका में ही होती है। यहाँ पे शोज होते हैं, फिल्मी दुनिया है, लाइव स्टंट शो होता है यहाँ पर, देन स्पेस यात्रा करके देयर इज अ थिंग जहाँ पे आपको फील आएगी कि आप स्पेस में हैं, और यहाँ पे बहुत सारे फोटो ऑप के लिए आपको प्रॉप्स मिल जाएंगे, बहुत सारी लोकेशंस मिल जाएंगी। तो आइए और यूरेका को एक्सप्लोर कीजिए। सब जगह पर देर आर रेस्टोरेंट्स एंड कैफे, तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं पे भी जिस जगह पर भी हैं ब्रेक ले सकते हैं, मस्त खाइए पीजिए और फिर से घूमना शुरू हो जाइए। भगवतम, व्हाट इज इट? इट्स अ टेंपल। दिस इज अ प्लेस कॉल्ड भगवतम, जो कि श्रीमद् भगवद गीता और पुराने जमाने के जो राजा महाराजों के दरबार होते थे ना, उनके बेसिस पे बनाया गया है।
लुक एट दिस, पूरा का पूरा दरबार रिक्रिएट किया गया है. वेल फ्रेंड्स, अगर आप रामोजी फिल्म सिटी में किसी फेस्टिवल के टाइम पर आएंगे तो आप यहाँ शाम की खूबसूरत लाइटिंग देख सकते हैं और यूरेका में कार्निवल और लाइव शोज का मजा भी उठा सकते हैं. जस्ट मेक श्योर दैट यू रीच हियर एट 9 AM इन द मॉर्निंग ताकि इस विशाल और भव्य फिल्म सिटी को आप ज्यादा से ज्यादा घूम पाए और इसे एंजॉय कर पाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गरिमास गुड लाइफ. सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट रामोजी फिल्म सिटी. आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बिकॉज मैं तो ऐसा लग रहा था कि इस व्लॉग के अंदर ही हूँ एंड आई एम माई सेल्फ एक्सप्लोरिंग. आई बिलीव कि बहुत सारी ऐसी जगह है जो एक्सप्लोर नहीं हो पाई होंगी बिकॉज एक टाइम स्लॉट होता है. बहुत लंबी वीडियोज़ जो हैं वो फिर बोरिंग भी हो जाती हैं, तो इनके व्लॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर दे दूँगी. आप उनकी वीडियो को भी लाइक और उनके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए. द रामोजी फिल्म सिटी, ये एक वो सिटी है जहाँ पे इंडियन मूवीज़, इवन हॉलीवुड से भी मूवीज़ वगैरह यहाँ पे शूट होती हैं. लोग काफ़ी सारे आते हैं यहाँ शूट करने, बिकॉज़ ये एक ऐसा वाहिद सेट है जो 2000 acres पे बनाया गया है, विच इज़ टू वेरी मच. और मेरा नहीं ख्याल कि इतने छोटे वीलॉग में वो पूरा का पूरा कवर किया जा सकता होगा. आई बिलीव बहुत सारी ऐसी भी जगहें होंगी, लेकिन जो हमने देखी है, नो डाउट दैट वाज सो ब्यूटीफुल. इतनी सारी मूवीज़ की शूट हुई है यहाँ पे, और हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मली इंडिया सिटी है और यहीं पर शूटिंग हो रही है एंड एवरी थिंग इज़ जस्ट यू नो गोइंग थ्रू द फ्लो, बट ऐसा नहीं है. फिल्म शूट की एक अलग से पूरा ये फिल्म सिटी है जहाँ पर सिर्फ फिल्म की शूटिंग्स ही होती हैं, अलग अलग थीम्स पे, अलग अलग सेट पे, अलग अलग चीज़ों पे. मतलब मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि ईच एंड एवरीथिंग जो शूट होता है वो होता ही रामोजी फिल्म सिटी के अंदर शूट है. लाइक नॉर्मली आप आउटडोर इस तरह शूट नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, आप यही शूट करते हैं. सो अब के बार जो हम मूवीज़ देखेंगे तो आई बिलीव कि हमें पता होगा, मुझे तो पता होगा कि ये रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही शूट किया गया है ये सीन. इतने बड़े बड़े वहाँ पे फ्लोर्स हैं जो आप डायरेक्टर्स जो अपनी मर्जी से भी चाहते होंगे और सेट बना लेते होंगे. नो डाउट यहाँ हमारे पास भी सेट्स हैं, हमारे पास भी ओपन फ्लोर्स हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बने हुए इस तरह के सेट्स नहीं हैं. तो यू नो दिस इज़ समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर मी, और मेरे लिए ये बहुत एक वाव सी बात थी कि दिस इज़ अमेजिंग. सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जल्दी से करना, बेल आइकन प्रेस करें सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो लगाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए. आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो पे इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.